नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीमा बोरा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैठने का सही तरीका नहीं आता है। दोस्तों, आज हम आपको बैठने का सही तरीके को करने के लिए 3 अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को करने से आप अनेक शारीरिक और मानसिक व्याधियों से बच सकते हैं, और इन अभ्यासों को नियमित करने से आपकी बॉडी पोस्चर सुधरता है और हमारी लोअर बॉडी से संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। अपर बॉडी से संबंधित सभी विकारों को दूर करने के लिए यह 3 अभ्यास बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। बैठने की सही मुद्राओं में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मुखासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासन पर बैठ जाना है, फिर आपने अपने राइट लेग को ऐसे अपने लेफ्ट थाइस के नीचे से ऐसे रख लेना है और लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ लेना है और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लेनी है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेना है। दोस्तों, यह सुखासन योग बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग पद्मासना को प्रैक्टिस ना कर सकें, वह सबसे पहले इस सुखासन पर ही बैठें। दोस्तों, इस अभ्यास को जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं वह लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप पेपर पढ़ते वक्त, खाना खाते वक्त, किसी भी समय प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे स्पाइन से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास हमारे दिमाग और मन को शांति प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा और सहज अभ्यास है। इसके बाद आप इसी अभ्यास को अपने लेग को ऐसे बदल कर भी कर सकते हैं। आप अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के नीचे से और राइट पैर को ऐसे क्रॉस कर लीजिए और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम बैठने का सही तरीके के लिए दूसरा अभ्यास करेंगे कागासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे कागासन की पोजीशन पर बैठ जाना है। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आपके दोनों एड़ियां ऐसे जमीन को स्पर्श करें। दोस्तों, यह कागासन योग भी बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पेट से ऐसे सटा लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर अपने पैरों से पास ऐसे रख लीजिए। यह अभ्यास पेट में जमी अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के साथ साथ हमारे डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन लोगों को इस कागासन योग को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, आजकल की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग ऐसे कागासन की पोजीशन पर बैठने में शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कागासन योग में बैठते हो तो आपको डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, इसके अलावा यह हमारे शरीर की फिटनेस के लिए यह कागासन योग रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप पेपर पढ़ते वक्त या अपनी दैनिक कार्यों को करते वक्त प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बैठने के सही तरीकों के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वज्रासन योग। इसे डायमंड पोज भी कहते हैं। इसे करने से हमारा शरीर वज्र की भांति मजबूत बनता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट लेग को ऐसे नीज से ऐसे मोड़ लेना है, लेफ्ट पैर को भी नीज से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेना है। वज्रासन की पोजिशन पर बैठ जाना है। ऐसे वज्रासन की पोजीशन पर बैठ जाना है। आपके दोनों पैर की अंगुलियां, पैर के अंगूठे एक दूसरे को ऐसे स्पर्श कर रहे हो और आपने अपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाना है। यह वज्रासन योग एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को आप 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन 3 अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से हमारा बॉडी पोस्चर सुधरता है और इसे सभी
इन तीन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा इन अभ्यासों को करने से हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड काम फुली और रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाते हैं।